IMF ने अपने अक्टूबर माह में जारी ताजा आकलन में भारत को एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था करार दिया है। घरेलू मांग और खपत को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इससे पहले जुलाई में ये आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान जताया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थानों के साथ दुनिया के तमाम देशों में भी भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि भविष्य में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल से भारत दुनिया का एक उज्ज्वल स्थान, नवाचार और विकास का केंद्र बना हुआ है। हम समृद्ध भारत की यात्रा को मजबूती से जारी रखेंगे, अपने सुधार के पथों को और भी आगे बढ़ाएंगे। IMF ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि भारतीय GDP की दर 2023 और 24 में 6.3% रहने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक संगठन ने संपत्ति बाजार में भारी संकट और कम निवेश को देखते हुए चीन में विकास दर अनुमान को 2023 के लिए 0.2% घटाया और 5% कर दिया। साथ ही 2024 के लिए 0.3% कमी कर 4.2% का अनुमान जताया गया है। इस तरह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से अधिक रहेगी। अमेरिका और यूरोजोन में विकास दर को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। IMF ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज दरों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। इसलिए 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान दर को घटा करके 3% कर दिया गया है। 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर के 2.9% रह जाएगी। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचंस ने कहा कि कोरोना और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई संकटों से 3 वर्षों में दुनिया भर में आर्थिक उत्पादन में कोविड पूर्व रुझानों की तुलना में $3,700 अरब की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GD न्यूज। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ महत्व